जो कुदरत मेरे द्वारा कुछ उजागर करना चाहती है तो मैं वही कर रहा। तो जिहड़े सारे आइडियाज़ है सुपन दे विच ही आते हैं, तो रात में जो सुपना आता या जो टुटदा सुपना तो मैं उदों ही नाल दी नाल जाग के उसनों लिखना या रिकॉर्ड करना पैंदा। लक्कड़ जो किसी थीम च ढल जाती है तो तुसी उहदे नाल गल भी कर सकते हो। तो वैसे तो कहिंदे हुंदे आ साइकोलॉजिस्ट कहिंदे आ वी जे तुसी किसी चीज़ दे नाल गल करो तो तुहानू उह चीज़ अगों जवाब देवे। ये मेरा जिहड़ा आर्ट है इहनू तुसी मोज़ेक दी श्रेणी च रख सकते हो। एबसट्रैक्ट आर्ट, सैमी एबसट्रैक्ट कहा जा सकता, मतलब पंजाबी दे विच अमूर्त कला, जिस दे विच मतलब एक वक्रे तरीके नाल किसी थीम नू समझाने की कोशिश की जाती है। छोटे छोटे लकड़ के टुकड़िया जोड़ के उन्होंने रंग के उन्होंने आकार बना के कुछ कहन की कोशिश की जाती है, तो उन्होंने आप एबसट्रैक्ट मोज़ेक कह सकते हैं जी। आइडियाज़ जिहड़े है ये कुदरत वर्णी उही आते हैं जी, ज़्यादातर सुपन दे विच आते हैं। और कई बार जो आराम रेस्टफुल कदे मोमेंट च बैठे होंने तो उदो ख्याल आते हैं, ये कुदरत वर्णी उही आते हैं। और इस जो लकड़ दे विच किवें ढालना मैं वो आई टैक्नीक्स के आइडियाज़ भी जिहड़े मैनू कुदरत वर्णी उही ख्याल आए हैं भी इसमें इस तरह किया जा सकता तो इस तरह किया जा सकता। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता भी यह कुदरत की मेहरबानी है, कुदरत का ही सारा कुछ चल रहा है। वो आपकी जिंदगी की एक स्टेज पर आके मैं ये महसूस होया कि मैं वो कम करना चाहिए जिदे मैं खुशी मिले, जिदे मैं पीसफुल महसूस करा। लेकिन जो मैं आपकी आइडिया आप कम कर रहा हूं फ्रीली तो मैं खुश हूं। तो मैं ये चाहिए भी जिंदगी छोटी जी है तो मैं उसनों खुशी के पलों के ही बिता चाहना, तो मैं नहीं चाहता कि उसनों मैं कम भी करा तो मैं मज़ा भी ना आए, इस करके मैं परहेज करता कोई आर्डर लैन तो। मैं जो लोकल लकड़स है कोई भी मैं वो यूज़ करदा जो भी अवेलेबल होंगी है, अवेलेबिलिटी तो है। हूँ तक मैं जिमें शीशम, सागवान, कैल, पड़तल, चील और हार्डवुड जी हैगी है, कोई साल है, इस तरह की लकड़ा डेक है, निम है, इस पर मैं काम कर रहा। जो थीम के मुताबिक जो कोई कितने गाढ़ा रंग चाहिए या जिस तरह कोई रेशा किस तरह चाहिए उस तरह की मैं लकड़ चूज़ कर लैंदा आपके थीम मुताबिक। और लकड़ ते काम करना मैं पसंद ये लगता है कि मैं थोड़ा जहाँ जीवन महसूस होंगे लकड़ के, क्योंकि जो मैं इसनों कटदा जनू रंगदा तो हर लकड़ की आपकी एक फ्रैगरेंस है, तो जो मैं टच करदा हर एक लकड़ का आपदा आपका वक्रा एक टच का तुम टच करते हो तो महसूस करते हो कि लकड़ वक्री है ये। और कुदरत ने मैं सब तो ज़्यादा वधिया चीज़ लगती है कि कुदरत ने आपकी हर एक तरह की लकड़ के आपकी कला दिखाई भी है, जिवें कि पेंटिंग कुदरत ने ऑलरेडी की भी है वो रेशिया के, तो इस करके मैं ज़्यादा प्रैफर करदा लकड़ काम करना। लकड़ जो किसी थीम च ढल जाती है तो तुम वो गल भी कर सकते हो। तो वैसे तो कहें होंगे साइकोलॉजिस्ट कहें भी जे तुसी किसी चीज़ के नाल गल करो तो तुहानू वो चीज़ अगों जवाब देवे तो उदों तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो तुसी जवाब देने लग पो तो तुसी प्रॉब्लम चो पर ऑफकोर्स जो कोई आर्टवर्क बनता तो एक तरह नाल तुहाडे नाल गल ही कर रहा हुंदा। रियल लाइफ दे विच देखदा अपने समाज दे विच वर्ल्डवाइड देखदा कि वो, लेकिन इस तरह की चैस नहीं चल रही। चैस चल रही है कि इक्को पासे राजे वजीर घोड़े राणियां सारे एक पासे है और एक पासे सारे प्यादे है, सारे रंगां दे, सारे धर्मां दे, मतलब छोटे वड्डे की लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा, ना कि दो संतुलित टीमां दौरान संघर्ष नहीं हो रहा। मैं एक तो जिहड़ी मैं सीरीज़ कर रहा मैं कौन हाँ तो उस दे विच तो मेरी आपदी ही मेरी अंदरूनी तलाश चल रही है कि मैं एक्चुअली मैं कौन हाँ, क्योंकि उपरों उपरों तो मैंने जो घरद्या ने नाँ देता या हिंदू धर्म च मैं पैदा होया तो कहता भी हिंदू है, खत्री कास्ट है, खत्रियां का मुंडा जी ये, या बैंक च लग्या तो बैंक मुलाजम है जी, या ये जिवें हुण मैं जे आर्ट करदा तो कहिंदे जी आर्टिस्ट है, लेकिन ये उपर उपर दीआं गल्लां सारियां
क्योंकि इन्हां दे विच्चों मैं असली जो मैं हाँ वह मैं इन्हां दे विच्चों नहीं हाँ, मैं अंदर चक नहीं कोई भी असली मैं कौन हाँ, तो उहदी तलाश दे विच्चे जो आर्टवर्क बन रहे हैं। दूसरा जिहड़े इस तों इलावा कोई मैं आर्टवर्क बना रहा जां उहदे विच मैं कुछ तलाश नहीं रहा, वह तो सिर्फ एक जो कुदरत मेरे द्वारा कुछ उजागर करना चाहती है तो मैं वही कर रहा। और जो कंप्लीट हुंदा तो खुशी तो पहला मैं खुश हुंदा ऑलरेडी, मैं थोड़ी जी हैरानी हुंदी है उस तो जो मैं देखदा कि ये किस तरह की चीज़ बनी है, इस तरह किस तरह लग रही है, और वो मेरे वास्ते भी हैरानी वाली हुंदी है क्योंकि इस तरह की पहला कदे मैं देखी नहीं हुंदी। एक सुपने च ही कोई आइडिया देखा हुंदा लेकिन असलीयत इस तरह की पहली बारी मैं कोई चीज़ देख रहा उन्हें हैरान कर दी है, वो एक तरह की अलग खुशी मिलती है। तो जिहड़े सारे आइडियाज़ है सुपनों के विच ही आते हैं, तो रात को जो सुपना आता या जो टुटदा सुपना तो मैं उदों ही नाल दी नाल जाग के उसनों लिखना या रिकॉर्ड करना पैंदा, और क्योंकि फिर भुल जाइए कह नहीं सकते, लेकिन ये एक रहस्य है भी ये ख्याल कितों आते हैं। और कई बार तो पूरे दे पूरे एक प्रिंट वांगू ही रंगा का पूरा यही संयोग भी पूरी का पूरा ही आ जाता है, भी एक झलक जी भी आ जाती है जिवें, और एक रहस है कह नहीं सकते, लेकिन इस तरह आइडियाज़ आ रहे हैं। और काफ़ी मेरे ख्याल 250-300 वर्क मैं पूरे कर चुके हैं आइडियाज़ से, लेकिन हजे भी मैं लगता है 150-200 आइडियाज़ हजे भी पेंडिंग पे होंगे, और मेरे काम करन दे दौरान ही नवे आइडियाज़ आ रहे हैं और ये चल रहा है। हर एक बंदा जो देखता है तो हैरान होंदा है कि ऑलमोस्ट जिहड़ी है वेस्टवुड तो तुसी की कर सकते हो, और अगर तुसी मेरी वर्कशॉप दे विच जाओ तो तुहानू उत्थे पूरा एक अराजकता का माहौल मिलेगा। हर पासे डस्ट है, गंद है, टुकड़े खिलरे पए है, कोई चीज़ आपदी थां ते नहीं है, लेकिन हैरानी की गल है कि उस माहौल दे विच्चों उन्हां टुकड़ियां दे विच्चों ही एक आर्टवर्क तैयार होकर बाहर आ जाता है। ये एक हैरानी वाली गल है कि और फिर मैं ये भी देखदा कि हो सकता है कि कुदरत ही इस तरह अराजकता दे विच्चों चीज़ां निकलदियां फिर अराजकता च शामिल हो जांदियां एट दी एंड।